हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सारे भाई ठीक होंगे। तो आज हमारे पास आई है स्प्लेंडर का काफ़ी पुराना मॉडल आया हुआ है हमारे पास ब्लैक जेड होने के लिए। तो अभी आप बाइक की कंडीशन देख सकते हैं कैसी कंडीशन है। अभी सीट भी मैं खोल देता हूँ, सीट वगैरह खुलवा के इसकी आपको दिखाता हूँ। इसको हमें करना है पूरा ब्लैक जेड, और ब्लैक जेड करने के बाद इसमें नंबर प्लेट लगानी है, नंबर प्लेट अलग से बनानी है इसके लिए। अभी आप देख सकते हैं किस तरह की बाइक है कंडीशन में, आप देख सकते हैं इसको पूरा ब्लैक जेड करना है। साइड पैनल वगैरह इन पर सब का रेट चढ़ेगा, टंकी वाइजर सब करना है ब्लैक, और नंबर प्लेट भी इसकी बनेगी। तो भाइयों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो हमारी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने भाई के साथ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखते हैं। ये देखिए, मैंने इसकी सीट को खुलवा दिया है। सीट अभी आप देख सकते हैं, सीट खुल चुकी है, नंबर प्लेट भी खोल रहे हैं हम अभी। देखिए, इंजन का पेंट हमने इसका छुड़ा दिया है। इंजन पहले इसका ब्लैक था, इसको दोबारा से ब्लैक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कंडीशन बाइक की कैसी कंडीशन है। ये देखिए, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो, कैसी नहीं। और हम अपने चैनल पर बाइक फॉर सेलिंग के लिए भी डालते रहते हैं। किसी बाइक को बाइक परचेज करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमसे कांटेक्ट करें बाइक जो पसंद आए। अभी इसके बाद वीडियो आने वाली है एक बाइक की फॉर सेलिंग के लिए, देख लेना आपको पसंद आती है। ये देखिए, ऐसा कुछ लुक निकल के आया है ब्लैक जेड करने के बाद बाइक को। और बताना भाई आपको कैसी लगी बाइक, कैसी नहीं। ये वीडियो लास्ट वाली मैंने थोड़ी जल्दी में बनाई थी, इसको अच्छे से नहीं बना पाया मैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी। तो चैनल